That's my second. That's the first. And I think Yeah, you like it. Have one more? Wait, my. Look here. Let me up here. Okay? Yeah, thank you. We can take one of them here only. We don't go there. Thank you. तो हाँ, मैं ज्वेलरी जज करने आई हूँ और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है क्योंकि इतने तरह के किस्म की ज्वेलरी है, फ्रॉम टेंपल ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी, तो रियली इंटरेस्टिंग एनिमल्स बने हैं और बहुत इंट्रिकेट डायमंड वर्क किया हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इट वॉज़ वेरी वेरी हार्ड क्योंकि हर एक पीस अपने में बहुत अलग है एंड डिज़ाइनर्स हैव वर्क्ड रियली हार्ड एंड यू कैन एक्चुअली सी कि कितनी इमेजिनेशन वाइड है और कितना कुछ इंटरेस्टिंग किया है सबने. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू जज फेवरेट क्या है क्योंकि सब अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं और हर एक कैटेगरी में कुछ ना कुछ मेरे लिए फेवरेट है, तो एक चूज़ करना बहुत मुश्किल होगा. बट या ऑन अ लार्जर स्केल मुझे टेम्पल ज्वेलरी बहुत पसंद है क्योंकि मैं जो लास्ट शो कर रही थी दैट वॉज़ यू नो हिस्टोरिकल शो था और मैं खुद एक क्लासिकल डांसर रह चुकी हूँ, सो आई हैव अ लिटल एक्स्ट्रा लव टूवर्ड्स टेम्पल ज्वेलरी. तो काफ़ी जो बहुत मेजरली कम बैक कर रही है अब लोग शादियों में और हर जगह काफ़ी टेम्पल ज्वेलरी पहन रहे हैं, तो हाँ ट्रेडिशनल ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद है तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाव है. नॉर्मल लाइफ में जैसा कि आप देख सकते हैं मैं काफ़ी छोटी और लाइट ज्वेलरी पहनना पसंद करती हूँ, कुछ भी थोड़ा क्यूट सा छोटा सा इंट्रिकेट वर्क वाला, जैसे राइट नाउ आई एम वेयरिंग दीज लिटल फ्लावर्स. वैसे यू नो आई सॉ दीज इयर रिंग्स देयर वर लिटल हॉर्सेस एंड यूनिकॉर्न्स एंड लाइक थिंग्स विद एनिमल्स, आई फाइंड देम वेरी क्यूट. तो नॉर्मल लाइफ में बहुत आई कीप इट रियली लाइट एंड आई प्रेफर टू डू लाइक स्टेटमेंट ज्वेलरी कि एक इयर रिंग्स पहन ली या सिर्फ रिंग पहन लिया या ब्रेसलेट पहन लिया. सो या आई एम मोर ऑफ अ सिल्वर पर्सन, आई वेयर अ लॉट ऑफ सिल्वर इन रियल लाइफ, सो जहाँ जहाँ पॉसिबल है मैं हर जगह ज्वेलरी पहनती हूँ. तो जैसा कि आप सब जानते हैं सब लोगों को मेरा तेनाली का कैरेक्टर बहुत बहुत पसंद आया था एंड आई एम ग्लैड कि मैंने कुछ नया ट्राई किया, कॉमेडी किया एंड एवरीवन रियली लाइक्ड इट. सो आई डिड इट फॉर क्वाइट सम टाइम, एक साल से ज़्यादा मैं शो में थी. तो नाउ आई एम लुकिंग एट डूइंग समथिंग इन अ रियलिस्टिक स्पेस क्योंकि हिस्टोरिकल और एक कैरेक्टर जो इस ज़माने का नहीं है वो प्ले करके देखा, तो मैं आज की लड़की, आज के ज़माने की जो हमारी तरह बात करती हो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग लाइक दैट. तो होपफुली कुछ जल्दी होने वाला है, हो जाएगा जैसे ही तो मैं आप लोगों को बता दूंगी. थैंक यू. इट्स इट. कौन पूछा? ओके, शुड आई लुक इन द सेंटर? बेटर राइट? ओके, यस
Yeah. You know, हर औरत को ज्वेलरी बहुत पसंद होती है एंड मैं इतनी खुश हूँ कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन द ज्यूरी. जब डायमंड्स हर लड़की की बेस्ट फ्रेंड होती है एंड यू नो आई हैपन टू लॉन्च द फर्स्ट डायमंड ज्वेलरी फॉर द वर्किंग वुमन दैट वॉज अस्मी. एंड आज यहाँ पर इतने अलग अलग ब्रांड्स कि यू नो ज्वेलरी डिस्प्ले हो रहे हैं एंड इट्स फैब्यूलस राइट. आर्टिस्टिकली फ्रॉम अ डिज़ाइन एंड अ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव इट्स गॉन टू अनदर लेवल. यू नो एक कन्वेंशनल और एक टिपिकल डिज़ाइन से हटकर आज अलग अलग डिज़ाइंस में ज्वेलरी बनती है एंड इट्स सच एन अमेजिंग टाइम बिकॉज पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग, पीपल आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स विद ज्वेलरी. जी तो आई थिंक मैं दो एक्सट्रीम्स पे जाती हूँ. आई ईदर लाइक समथिंग बेसिक राइट फॉर डे. तो इनके जो 9 to 5 वर्किंग वुमेन की जो ज्वेलरी है द डायमंड्स बट वर जस्ट स्लीक एंड लवली तो मुझे बहुत पसंद आया. एंड दूसरे जो मुझे बहुत पसंद आए वो द बिग द इंडियन द ट्रेडिशनल द जेम स्टोन्स द कलर्ड जेम स्टोन्स ज्वेलरी मुझे वो बहुत बहुत पसंद आया बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ प्ले बहुत सारा क्रिएटिविटी था उसमें. डे टू डे मैं बहुत बोरिंग हो चुकी हूँ यू नो तो मैं यू नो आई जस्ट वेयर प्लेन डायमंड्स एंड यू नो एवरीथिंग इज सो सिंपल. लेकिन जब रात को बाहर जाती हूँ आई काइंड ऑफ यू नो यूज ज्वेलरी देन. लेकिन यू नो आई काइंड ऑफ रन अ बिजनेस नाउ एंड with selling zurabin chicken and then with young children there's no time to get you know such dutch ke tayar hona it's really a luxury which I don't have anymore. I can see bracelet in your hands, which family this is you know again my husband bought this for me. It's simple, it's wearable every day and it's from AK Motiwala, so that's where I buy all my wedding jewelry and everything has been bought by him. Sorry, jewelry as a fashion statement, how much important do you give jewelry as a fashion? So how much importance does jewelry have in my life? Like I said, I've kind of become very, very simplistic. So my clothes are like monotone and simple. My jewelry kind of has a very clean, classic feel and look. So it is important because you don't feel good without jewelry. But I don't kind of go crazy and overdo it at all. Like I said, when I go out at night, that's when I love to, you know, dress up with jewelry. So when it's a sari and you know, even if it's plain and then you kind of have this lovely set on you, you feel very, very pretty. Which is that jewelry without which you connect? My wedding ring. You know, it's 11 years and counting and it hasn't gone off my finger. Not ever, ever. Yeah. So I'm a big diamond girl, right? I love my diamonds. So, and also I think, you know, diamonds kind of make me look pretty because it glitters and then the whole face looks happy and pretty. So I still, for me, diamonds are the number one. And if it's gold, it has to be like ethnic, right? So I would kind of work with the gemstones and, you know, have a very, very traditional set on me. But I'm not one of those really funky, cool, you know, silver jewelry dressers. I can't carry it off. I'm very boring. Thank you very much. God bless. Thank you. Am I English mein baat karun ya Hindi mein? English. It was actually quite overwhelming and very intimidating because these pieces, they're so intricate and like beautiful and they have so much story behind each and every one of them. So it's difficult, like who am I to judge? But I'm trying as much as I could and I hope like I did justice to their beauty because they're impeccable. Like every one of them has such nice handicraft work and it's amazing. My favorite, so I judged the golden earrings
and the bangle category, bangles, armlets, kadas. And funnily, those are the actual things that I don't get in my size because I'm a very tiny person. So usually whenever I want a ring or a kada, whatever I like doesn't usually fit me. So watching all of this was again, I tried one of the kadas and it actually fit me and I was so overjoyed. It had tiny pearls and it was beautiful. And there's one of them with like, they're just all amazing. Yeah. Traditional, always. Like, I know we're all for Western civilization and we're all learning from the entire world and it's all about global, but there's something about our own heritage, traditional jewelry that's just mind blowing. I usually have my silver ring with a cat's eye stone, which I recently lost at a shoot. And I usually have like basic golden studs. And ever since I was a kid, my mom, I think everyone has had this bachpan ka phase where you have to wear these tiny golden rings and go to school. So I had that for the longest time. And then I had a phase where I didn't want to wear any jewelry because I was too cool for jewelry. And now I beg to wear anything from my mom's jewelry as much as possible. So today I'm wearing these beautiful diamond and emerald earrings, and so I'm wearing this very simple kurta and pants, and I would really like to keep things as basic yet being able to stand out as possible. Like, so I really like these statement pieces. So these were like my favorite out of the options that I had. There are a couple of projects that I recently shot for. There's a movie that's coming, hopefully it'll come out soon. It's in post-production right now. It's called The Odds. It's directed by Megha Ramaswamy. So let's see. I'm playing lead for the first time. So I'm excited about that. Thank you. Hello. मैम यहाँ पे मैम यह सेंटर लेफ्ट में मैडम अरे हमें भी कुछ है ना उधर अरे मेरा बेड क्यों पहन रहे थैंक यू दिस साइड Just before he says, okay, which is your new movie that's coming out? I said, no movie. Acha, kahan idhar khada rehna hai? Acha, now you just tell me, baal wal theek hai ki nahi? Because I can't tell. Haan, bhaiya? Lovely. Theek hai? Chal se? Okay. And where do you want me to look? Here, there, kahan? Your camera. Okay.
You'll have to speak loud. I can't hear you. So my experience this year has been incredible because, you know, I have been part of this jury for 2 times before, and I have seen how jewelry has really transitioned. The quality has transitioned. The design value has transitioned. It's incredible what India is churning out. Better and better every year. So my favorite category, now you see, I'm an interior architect and I design and I create, so I can't help but enjoy the innovative category. So that is my favorite category. So for day-to-day use, what I personally love wearing is just, you know, little things that we can stack together or layer. So I like to like add on layers. So if it's rings, I like to do like lots of little rings, stack it. Or if it's necklaces, then I like to put together lots of little necklaces. That's what I enjoy. But on a day-to-day basis, I'll probably wear one little thing, not all the little things. But if I have to put it all together, then I like stacking and layering. So, Namrata, as a jury, as a judge, which are the points you just look after as judging? What is going to be our criteria? So, sorry, 1 second. It's rolling? Yeah. It's rolling? Okay. So, for judging jewelry, for me, the most important criteria is the finish, the finesse, and the use of material. So how the material is used to its best, whether it's the colored gemstones, whether it's the gold, whether it's the platinum, whether it's the whatever metals are used, but it's about how it is used to its best efficiency. Who do I admire for their jewelry appearances? Okay, that's a very hard question, but I must say Indian jewelry is so exquisite and so exotic that I think a lot of our Bollywood celebrities actually adorn Indian jewelry the best. Yeah. What will replace diamond? Kryptonite, whenever they find it, of course. Thank you. I'm joking, huh? Look here, ma'am, look here. Look here. Here, here. This way, huh? The camera is still. Yeah. I'm here. Yeah.
दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था बिकॉज आई लाइक टू वेयर ज्वेलरी इन लाइफ अलॉट आई मीन नॉट अ लॉट ऑफ ज्वेलरी बट मुझे पहनना पसंद है तो टू बी एबल टू सी सो मेनी क्रिएटिव डिजाइंस एंड टू हैव द ऑनर टू जज देम वॉज वेरी नाइस मैं आई थिंक सबसे पहली चीज़ देख रही थी इनोवेशन तो क्या नई बात है किसी डिज़ाइन में एंड सेकेंडली द वेयरबिलिटी ऑफ इट क्या मैं ऐसा कुछ पहनना पसंद करूँगी या नहीं तो सी मैंने 5 डिफरेंट कैटेगरीज देखी जो मुझे जज करने के लिए दी गई थी और उसमें काफ़ी मिक्स था आई मीन आई सॉ सम ट्रेडिशनल प्रेशियस जेमस्टोन वंस आई सॉ प्लैटिनम वंस आई सॉ सम मेंस ज्वेलरी आल्सो तो मैंने सब कुछ थोड़ा बहुत देखा बट आई हैव माय फेवरेट्स मैं काफ़ी मिनिमल चीज़ें पहनती हूँ आज ही मैंने थोड़ा मिनिमली पहना हुआ है बट यूजुअली आई थिंक लेस इज मोर एंड दिस इज़ माय स्टाइल आज मैंने जो पहनी है दिस अ ब्यूटीफुल एमरल्ड यू नो टीयर ड्रॉप ईयरिंग बिकॉज मैं कुछ कॉलर्ड पहन रही थी तो मैंने इस टीयर ड्रॉप को चूज़ करा पहनने के लिए एंड देन दिस अ मैचिंग ड्रिंक सो आई कैन आई से दैट अगेन प्लीज Can I say that again, please? Yeah. So today I'm wearing these emerald teardrop earrings, which I thought go very well with my hairstyle and this collared dress. And there's a matching ring to go with it. कुछ है इंटरेस्टिंग जिसमें मैं काम कर रही हूँ मैं अनाउंस नहीं कर सकती बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर द प्रोडक्शन हाउस टू अनाउंस बट होपफुली इट शुड कम आउट इन सेप्टेम्बर थैंक यू बहुत ज़्यादा अच्छा था और लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होती है क्योंकि हम लड़कियों को हर कोई ज्वेलरी दिखा दो वही पसंद आ जाता है सो एक्चुअली वहाँ पे अगर 20 ज्वेलरी डिस्प्लेड है सारे ही अच्छे लग रहे हैं तो इट गेट्स सो डिफ़िकल्ट कि 1 to 5 रेटिंग करना बट स्टिल सक्सेसफुली आई डिड इट एंड आई लव्ड ऑल द ज्वेलरीज ओवर हियर सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर मैं मोस्टली डिज़ाइंस क्योंकि दैट्स वॉट अपील्स मी लाइक लिटिल बिट ऑफ एथनिक डिज़ाइन जो 80s, 90s, 70s में चलता था द हेरिटेज डिज़ाइंस तो ये सब मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है सो अकॉर्डिंगली आई जज्ड यस
एक अगर अगर आप पूछेंगे कि एक कौन सी फेवरेट थी, वो एक चोकर काइंड ऑफ नेकलेस था जिसमें टेंपल बना हुआ है एंड उसमें छोटे छोटे गॉड एंड गॉडेसेस प्लेस्ड है और वो प्रॉपर टेंपल शेप में है एंड इट्स अ चोकर. वो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट और स्टाइलिश लगा. आई वेयर मिनिमम ज्वेलरी लाइक मे बी अ स्मॉल स्टड, एक वॉच और बस दिस चेन विच आई ऑलवेज वेयर. सो या दैट्स इट. आज जो मैं पहनी, क्योंकि आज मैं यहाँ पे जज करने आई हूँ ज्वेलरी, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा अच्छा सा एक रिंग पहन लेती हूँ एंड अ लिटल बिट ऑफ लाइक लॉन्गर डायमंड इयर रिंग रादर देन अ स्टड. देखने तो बहुत कुछ मिलने वाला है. आई रिसेंटली कम्प्लीटेड अ फिल्म जो फेस्टिवल्स में जाने वाली है, तो आई डिड अ शॉर्ट फिल्म ऑल्सो एंड आई होप अच्छे से बहुत सारे काम मेरे रास्ते में आए. मेरे फैंस मुझे आशीर्वाद करे, दुआ भेजे और प्यार दे, प्यार करते रहे और मेरे पास बहुत सारा काम आता रहे. थैंक यू सो मच. मेरी आंखें चकाचौंध हो चुकी हैं. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. बहुत अच्छी ज्वेलरी है यहाँ पे. इट्स ब्यूटिफुल एंड आई स्पेशली लाइक द इनोवेटिव ज्वेलरी सेक्शन. दैट्स मोर माय स्टाइल एंड काफ़ी 3D इफेक्ट वाली ज्वेलरी है एंड इवन अदरवाइज द रिवाइवल ज्वेलरी, एवरीथिंग इज़ you know commendable and I really want to know who's made these jewelry pieces because they've done a fantastic job. So I feel proud that India has such great talent. So apart from the you know the regular you know the how the stones are, how they are placed, all of that is great. The design that they have chosen and the quality of everything that they have put into their jewelry pieces, kisi mein stone hai, kisi mein gold hai, kisi mein diamond hai, but I think more than everything else what I am looking for is comfort because I am very big on comfort. Jewelry hamesha compliment karni chahiye ek outfit ko aur aapko bhi. You know, if you are wearing a jewelry piece, no matter how much of a statement piece it is, it should not be uncomfortable. You know, it should not be something which is going to thread nikal de aapko aapke kapdon ka, because wo bahut hota hai. There are some jewelry pieces which are really really fancy and great to look at, but by the end of the evening your outfit is gone for a toss or you've hit 10 people because it's so big. So it's very important that the jewelry that I'm looking at it like that something may be very very beautiful and wow, but if it's not convenient and comfortable to wear, then I'm not very happy. Like I said, innovative. The innovative jewelry has been my favorite, and also I like the revival. But yeah, definitely innovative. I love the 3D effects that they've given in their jewelry pieces. I am a very, I mean, when I'm acting, it's a different thing because tab character mein hote hain, jo character ko jewelry pehenni hoti hai, you wear that. But personally, I wear jewelry which is a statement piece. So if it's a neck piece or earrings, I wear one thing. I don't like to wear a lot of jewelry because I like it when the jewelry is accentuating what you wear, ya fir it's complimenting, ya it's, you know, it's going with what you wear and making it look better. So I always look for statement pieces. Thank you guys. Thank you.